नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। आईटीबीपी ट्रेड्समैन न्यू रिक्रूटमेंट 2024 को लेकर एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आऊं। जी हां दोस्तों, आईटीबीपी में भी एक ट्रेडमैन का बड़ा रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आईटीबीपी में एफसीएम और एसआई का रिक्रूटमेंट आ चुका है। अभी आईटीबीपी में अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टेबल के बहुत सारे रिक्रूटमेंट आते हैं, जिसमें आप लोगों का एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रिक्रूटमेंट होता है ट्रेड्समैन का। उसके बाद में अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो यहां पर भी आपके 10th पास कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आती है। लेकिन आज जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उस रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो भाई यहां पर आईटीबीपी में ट्रेड्समैन के पदों पर एक अलग अलग डिफरेंट पोस्ट पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट आ रहा है। तो यहां पर कौन कौन से अभ्यर्थी इस वाले रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इस बार कितनी वैकेंसी आप लोगों की रहने वाली है, साथ ही कब तक आप लोगों के इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू होंगे, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर किन ट्रेडों में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, क्या आईटीबीपी में भी अब बीएसएफ की तरह एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आखिर किन ट्रेडों में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और किन ट्रेडों में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी ट्रेडों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली आईटीबीपी भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले मैं अगर वैकेंसीज की बात करूं तो भाई यहां पर जो वैकेंसियां देखने को मिलेगी वो टेलर, गार्डनर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर, इन सारी ट्रेडों पर आप लोगों की ये वैकेंसी रहेगी। लेकिन इनमें से कुछ ट्रेडों में आप लोगों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और कुछ ट्रेडों में बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप इस वाली भर्ती में भर्ती हो सकते हैं। आखिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तो कब का बना होना चाहिए, ठीक है, और कितने साल का एक्सपीरियंस की आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल मैं सारी जानकारी ऑफिशियली तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये पिछला रिक्रूटमेंट है जिसमें आप लोगों की लगभग 200-250 के लगभग यहां पर वैकेंसी थी, लेकिन बाद में इस वैकेंसी को इंक्रीज भी कर दिया गया था। अभी मैं आप लोगों को बता दूं इस रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो ये आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट होता है वो ये लेवल 3 के अकॉर्डिंग होता है, और अगर इस रिक्रूटमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो भाई यहां पर देख सकते हैं अगर आप कांस्टेबल, टेलर और गार्डनर और कोबलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन ट्रेडों के लिए जो आपकी एज है वो होनी चाहिए 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में, 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज इससे ज्यादा हो चुकी है तो भी आप लोगों के लिए कुछ ट्रेड है जहां पर आपको एज में रिलेक्शन आपको मिलेगा। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप जीडी में भर्ती होना चाहते हैं आईटीबी में तो भाई आप एसएससी जीडी के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। और अभी मैं बता दूं 27 अगस्त से नया रिक्रूटमेंट आ रहा है, और अगर आप अभी से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो भाई एसएससी जीडी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की काफी अच्छी स्टडी गाइड और स्टडी गाइड के साथ इसका प्रैक्टिस सेट आ चुका है, तो दोनों ही बुकों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी अगर मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में अगर बात करूं तो भाई अगर आप इन वाली ट्रेडों के लिए अप्लाई करें जिसमें कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर और कोबलर, तो आप 10th पास होने चाहिए, 10th पास तो आप होने चाहिए, साथ में आपके पास में या तो 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप टेलर से कर रहे हैं तो टेलर का 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, अगर आप गार्डनर से अप्लाई कर रहे हैं तो गार्डनर का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कोबलर से अप्लाई कर रहे हैं तो कोबलर का भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, जो कि आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास में 1 साल का आईटीआई का अगर डिप्लोमा है तो भाई आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आईटीआई वाला डिप्लोमा ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का काम करेगा। या फिर आप यहां पर देख सकते हैं या आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा है आईटीआई का तो भी भाई आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किन बच्चों के लिए जरूरी होगा, जिन बच्चों के पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के भी इस वाली भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अभी मैं अगर बात करता हूं इस रिक्रूटमेंट में तो यहां पर कुछ वैकेंसी आपको अलग से दिखाई देगी और यहां पर आपको अलग से छूट मिलेगी, और सबसे ज्यादा जो कंपटीशन रहता है वो इन्हीं पोस्टों में रहता है, क्योंकि यहां पर पहली चीज यहां पर आप लोगों को है वो आयु में छूट मिल जाती है, और दूसरी चीज यहां पर बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं ट्रेडों की बात करता हूं तो पहले आप देख सकते हैं आपका सफाई कर्मचारी,
वासरमैन और बार्बर। अगर आप इन तीन ट्रेडों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल होनी चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी वालों को 3 साल की आयु में छूट मिलेगी और एससी और एसटी वालों को 5 साल की आयु में छूट यहां पर मिलने वाली है। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पर नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई अगर आप ऊपर वाली पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर कंपटीशन कम देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास में नहीं है तो बनवा लेना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? जब आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा उसकी जो लास्ट डेट होगी उससे पहले का बना होना चाहिए। अगर उससे पहले का अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई आप इस वाली भर्ती में अच्छे से शामिल होकर सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं हाइट वगैरह की सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की बात करता हूं तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं आपको आयु में जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल की और एससी एसटी वालों को 5 साल की यहां पर छूट मिलने वाली। बाकी अगर आप एक्स-सर्विसमैन हैं तो आपको अलग से भी यहां पर छूट मिल जाएगी। अभी मैं हाइट की बात करता हूं। देखो यहां पर अगर आप इन तीन ट्रेडों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें आपका कॉन्स्टेबल टेलर, कॉन्स्टेबल गार्डनर और कोबलर, तो इन ट्रेडों में आपको हाइट में छूट मिलती है। यहां पर अगर आपकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट की और फीमेल की 157 सेंटीमीटर है और आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर है तो इन पोस्टों के लिए आप इलिजिबल होंगे। मतलब अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है तो भाई आपको इन वाली ट्रेडों से फॉर्म लगाना चाहिए ताकि यहां पर आपको हाइट में छूट मिल जाए। अब देखो इसमें भी आपको हाइट में छूट मिलती है। किन किन को मिलती है? या तो आप गोरखा कुमायूं या गढ़वाल डोगरा मराठा इन स्पेसिफाई जो कैटेगरीज है या फिर आप नागालैंड से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या फिर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपको अलग से और भी यहां पर हाइट में छूट यहां पर मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूं इनके अलावा जो ट्रेड है आप लोगों की बची है जिसमें यहां पर बात करता हूं आपका सफाई कर्मचारी हो गया, सफाई कर्मचारी के साथ ही आप लोगों का वाशरमैन हो गया और बार्बर। भाई इन ट्रेडों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको हाइट में छूट नहीं मिलेगी। यहां पर जो आपकी मिनिमम हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट की वो 170 सेंटीमीटर रहेगी और फीमेल की जो मिनिमम हाइट है वो 157 रहेगी और आपका चेस्ट है 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अब यहां पर छूट किन को मिलेगी? यहां पर भी छूट मिलेगी केवल अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर आप एसटी कैंडिडेट है तब आप लोगों को यहां पर छूट मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एसटी का और आप जिस भी स्पेसिफाई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तब भी आपको यहां पर छूट मिलती है। अगर इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं और साथ ही बात करता हूं कि इसकी कट ऑफ पिछली कितनी गई थी, देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों का फैज टेस्ट में होता है वो होता है आपका फिजिकल। और फिजिकल में क्या क्या होता है? फिजिकल में आप देख सकते हैं फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस होती है और उसके लिए उन्हें समय दिया जाता है 7 मिनट और 30 सेकंड का, काफी समय मिलता है। यहां पर आप लोगों का यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपका लॉन्ग जंप भी करवाया जाता है आईटीबीपी में। 11 फीट का आपका लॉन्ग जंप होता है जिसमें 3 चांस मिलते हैं और 3.5 फीट का हाई जंप होता है मेल कैंडिडेट के लिए, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो भाई आपके लिए 800 मीटर की रेस होगी और इसके लिए जो समय दिया जाएगा वो 4 मिनट 45 सेकंड दिया जाएगा और आपके लिए जो लॉन्ग जंप होगा वो 9 फीट का होगा जिसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और उसके साथ ही हाई जंप की बात करूं तो 3 फीट का आपका हाई जंप होने वाला है फीमेल कैंडिडेट का। फिजिकल आपको केवल और केवल क्वालिफाई नेचर पे, बिल्कुल आप देख सकते हैं नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीटी सेल भी, केवल क्वालिफाई करना आपको, नंबर आपका एड नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट में भी रेस क्वालिफाई करेंगे या फिर आप 7 मिनट में भी करेंगे तो दोनों सेम रहेंगे। यहां पर किसी भी को आगे ये नहीं कि उसको आगे यहां पर प्रायोरिटी मिल जाएगी, सभी के लिए सेम रहेगा क्योंकि यहां पर केवल आपको क्वालिफाई नेचर पे। लेकिन भाई इसमें ट्रेड टेस्ट के नंबर जुड़ते हैं वो चीज एक बार आप देख लेना। रिटर्न एग्जाम होता है आपका सेकेंड फेज में, यहां पर आप देख सकते हैं फिजिकल होने के बाद में आप लोगों का सेकंड फेज में होता है रिटर्न एग्जाम। और रिटर्न एग्जाम की बात करूं तो 50 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होता है और एग्जाम आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बैक टेस्ट होता है आपका। और जो बच्चा सीबीटी पास करेगा उसके लिए कितने नंबर उसे लाने पड़ेंगे, मिनिमम अगर नंबरों की बात करता हूं मैं तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बार सिलेबस आपको बता दूं 50 क्वेश्चनों में क्या क्या आपका सिलेबस में रहने वाला है तो 15 क्वेश्चन आपके रहते हैं यहां पर जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। यहां पर 15 नंबर के नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथ के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के और एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी
एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिनेट पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों की जो रीजनिंग के टोटल 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। एक घंटे का समय मिलेगा, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा और टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। इस 50 क्वेश्चन में से कितने मिनिमम नंबर आपको लाने पड़ेंगे वो एक बार आप देख लेना। अगर मैं मिनिमम नंबर की बात करता हूं तो कम से कम अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन है तो भाई यहां पर कम से कम आपको 18 नंबर लाने पड़ेंगे 50 में से, तभी आप ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। अगर मैं एससी एसटी और ओबीसी की बात करता हूं तो यहां पर 50 में से 17 प्लस नंबर लेके आएंगे तब आपको ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये सीबीटी जो आपका एग्जाम होगा उसके बारे में बता रहा हूं जो कि 50 नंबर का होगा, लेकिन आपकी जो फाइनल मैट लिस्ट बनेगी वो बनेगी कितने में से, 100 में से। तो ये 50 नंबर जो आप देख रहे हैं इसमें आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा और अलग अलग ट्रेड का अलग अलग नंबर यहां पर दिया जाएगा। अगर मैं ट्रेड की बात करता हूं तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं अगले स्टेज में आप लोगों का होता है फेज थर्ड में ट्रेड टेस्ट होता है जो कि 50 नंबर का होता है। और भाई अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग आप लोगों के नंबर रहते हैं, जैसे कि टेलर के लिए अलग अलग नंबर रहेंगे और 15-15 नंबर का, 10 नंबर का टेस्ट होता है, 15 नंबर का टेस्ट होता है, 10 नंबर का टेस्ट होता है और कुल मिलाकर 50 नंबर होते हैं। और 50 नंबर में से कम 50% नंबर आपको लाने पड़ते हैं, मतलब 25 नंबर अगर आप ले आते हैं ट्रेड टेस्ट में तो भाई आपको पास कर दिया जाता है। तो 25 ये हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों का अगर आप 25 या 30 या 40 अगर उसमें स्कोर करते हैं, 40 अगर उसमें स्कोर करते हैं तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं पिछली कट ऑफ की बात करता हूं तो भाई पिछली जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की गई थी, वो लगभग जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 80 के लगभग रही थी। ओबीसी की कट ऑफ की बात करूं तो भाई 79 के लगभग रही थी और एससी एसटी की भी 75 प्लस कट ऑफ रही थी। फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है वो 60 से 65 नंबर पे ही यहाँ पर रही थी भाई। तो ये वाली जो वैकेंसी है इस बार, इसके लिए अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो लगभग पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वो 400 प्लस वैकेंसी इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब तक इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो सकते हैं, तो आप सभी को पता है अभी आईटीबीपी का हेड कोस्टल मिनिस्ट्रियल का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो आप सभी ने देखा होगा इस बार का जो रिक्रूटमेंट है उसका पूरा प्रोसेस है वो बीएसएफ कंडक्ट करवाएगी, मतलब नोडल एजेंसी बीएसएफ रहेगी और सभी हेड कोस्टल मिनिस्टर सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज का एक साथ एससीएम और एसआई का रिक्रूटमेंट है जिसकी लास्ट डेट की बात करूं तो जुलाई लास्ट डेट है। जैसे उसकी लास्ट डेट जाएगी भाई ये नया वाला रिक्रूटमेंट आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा। तो अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर देना क्योंकि ये वाला रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भाई जितनी मेहनत बच्चा रिटर्न में करता है उतनी मेहनत उसे ट्रेड टेस्ट में करनी पड़ती है और जिसको एक्सपीरियंस अच्छा होता है वो बच्चा आईटीबीपी में एक अच्छे से ट्रेड में क्वालिफाई होकर सिलेक्शन ले लेता है। इसके साथ ही मैं बता दूं भाई आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने एससीएम और एसआई के लिए भी अप्लाई किया है जिसमें आप लोगों के बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी सभी में 1526 पदों पर हेड कोस्टल मिनिस्टर और एसआई का रिक्रूटमेंट है। जो भी भाई तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए मैं बता दूं आपके लिए जो हवलदार बैच है वो शुरू हो चुका है, बिल्कुल टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है। इसी बैच से आप लोगों के हेड कोस्टल मिनिस्टर की तैयारी होगी और इसी बैच से आपकी ट्रेडमैन की भी तैयारी हो जाएगी। पूरा का पूरा जो आपको बैच मिल रहा है जिसमें आल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासे मिल रही है, पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, आपका प्रैक्टिस सेशन के लिए वीकली आपका टेस्ट भी होता है, साथ ही मैं बता दूं बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करती रहेगी। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।